नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, भारतीय साइंटिस्टों ने एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है जिसके बाद से पूरी दुनिया भारतीय साइंटिस्टों का लोहा मानने लगी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय साइंटिस्टों ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण कल करके दिखाया है जिसके बाद से भारत की ताकत में चार चांद लग गए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, जब भी कभी युद्ध होगा तो इस मिसाइल से भारत दुश्मन को धूल चटा सकता है। और ये मिसाइल इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अभी से चीन और पाकिस्तान की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर के हुए इस मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोग से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, भारत इसी तरीके की खुशखबरी पूरी दुनिया को दिया करता है समय समय पर ऐसी ऐसी मिसाइलों का परीक्षण करके। बीते दिन भारत ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया जो कि वाकई में काफी ज्यादा एडवांस मिसाइल है। दोस्तों, भारत ने एयर टू ग्राउंड और एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी कि रुद्रम मार्क टू मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करके दिखाया है। और ये मिसाइल इतनी ज्यादा पावरफुल है कि चीन पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। दोस्तों, भारत ने एक नो टाइम एरिया वार्निंग जारी करके रखी 30 मई से लेकर 31 मई तक, और इस बीच भारत ने इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। देखिए, ऐसी मिसाइलें भारत को युद्धों में सबसे ज्यादा काम आने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों जो एयर वर्जन मिसाइलें होती हैं उन्हें बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और भारत ऐसी मिसाइलों पर महारत हासिल कर चुका है। ये जो रुद्रम मार्क टू मिसाइल है ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है और अपनी दिशा को भी बदल सकती है, यानी कि अगर आपने दुश्मन के ऊपर इसे छोड़ दिया और आप इसकी दिशा को बदलना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से ये अपनी दिशा को भी बदल सकती है। इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। वहीं पर दोस्तों, इस मिसाइल को SU-30 MKI और भारत के मिराज जैसे फाइटर जेट में लगाया जाएगा। इस मिसाइल की जो स्पीड है वो 5 मैक के आसपास बताई जाती है, यानी कि ये 5 मैक से दुश्मन के ऊपर हमला कर सकती है। वहीं पर दोस्तों, 15 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे दुश्मन के ऊपर छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, अगर भारत इसी तरीके से मिसाइल बनाता रहा तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम मिसाइल कंट्री के नाम से जाने जाएंगे। वैसे आप लोगों का क्या मानना है भारत की इस एडवांस मिसाइल को लेकर, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बस चलते चलते आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।